दोस्तों ड्रीम इलेवन पर बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, और हम भी उन्हीं में से एक है। हम लोग आते हैं ड्रीम इलेवन पर कंटेस्ट ये सोच के लगाते हैं कि आज तो जो फर्स्ट रैंक है वो हमारा ही होगा। लेकिन यार इतनी घटिया किस्मत होती है ना हमारी, दो तीन ओवर के बाद ही क्या होता है कि हमें एंट्री के लाले पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं यार एंट्री वापस आ जाए बस, फिर क्या होता है, 10 ओवर बीत के मैच एक इनिंग ख़त्म हो जाती है और हम एंट्री से बाहर हो जाते हैं। हाँ यही है दोस्तों, अगर आप एक कंटेस्ट जीतते हो ना ड्रीम इलेवन पर, अगर आपको एक कंटेस्ट में आपकी एंट्री वापस आती है ना, तो दूसरे कंटेस्ट में ये श्योर होता है कि आपकी जो एंट्री है वो घुस गई। चस्का ही बहुत बेकार है ड्रीम इलेवन का दोस्तों, इसमें लालच मत करें, इसको आप एज ए शौकिया तौर से इसको इस पर टीम लगाएं। इसने मत लगाया कि आज आपको 20-30 रुपये बन गए, आपको लालच हो गया, आप कल 10-12 टीमें लगा देंगे। दोस्तों कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता है। मैंने दोस्तों अपने लाइफ में ये बात आजमाई है, अगर आपको एक कंटेस्ट की अगर आपको एंट्री वापस आती है ना, तो सेकंड कंटेस्ट में आप ज़रूर आप घुस जाएंगे। ये होता है, 2 साल से मैं लगातार कंटिन्यूसली दोस्तों टीम लगाते आ रहा हूँ, बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरा यार। एंट्री वापस आती है 60% मैं लॉस में घुसा हूँ, 50% मुझे एंट्री वापस आई है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये 100% लॉस मुझे हुआ है। नहीं चमकती है किस्मत यार, कहाँ किस्मत चमकेगी भाई। कंटेस्ट देखो आप ड्रीम इलेवन के, ओ कंटेस्ट देखो आप ड्रीम इलेवन के, 1 करोड़ लोगों में सिर्फ 100 लोग को ही बढ़िया पैसा मिलता है, लेकिन 100 तक पहुँचने में यार बहुत किस्मत होनी चाहिए आपकी, लक होनी चाहिए आपकी। चस्का ही बड़ा बेकार ड्रीम इलेवन का, इसको मत, इसमें मत पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आप पैसा मत लगाइए, दिमाग मत खर्च करिए। दोस्तों मैं 2 साल से इस पर बहुत दिमाग खर्च कर रहा हूँ, बहुत पैसा लगा दिया मैंने, तो कर्ज लिया है लोगों से पैसा लगाने के लिए, बर्बाद हो गया यार, ड्रीम इलेवन ने बर्बाद कर दिया। ऐसा ही नहीं है कि मैं ड्रीम इलेवन पर मैच लगाता हूँ, और बहुत सारे फैंटेसी ऐप्स हैं, बस सब में ही जब किस्मत ही ख़राब होती है दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं। आज तक दोस्तों मुझे सिर्फ एंट्रीज़ वगैरह वापस आती है, पैसा ही नहीं बना कभी, लालच बस 1 लाख रुपए का, 1 करोड़ का, ये सब दोस्तों आपको लुभाने की ऑफर होते हैं और कुछ नहीं है। मैं तो आपको ये बोलता हूँ दोस्तों, इसमें पैसा ना लगा के आप दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड है, उसको ख़रीदें आप, ठीक है, उसकी वैल्यू आज थोड़ी कम होगी लेकिन आने वाले टाइम में बढ़ेगी, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, इसमें नहीं यार, ए सट्टेबाजी में पैसा मत लगाओ यार, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। यही मैंने आपसे कहना था।